हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फरा। आप देख रहे हैं चटपटा सफ़र। आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट। देखिए उसमें हमने कौन कौन से फ्रूट्स लिए हैं। एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, पोमीग्रेनेट और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से। इलायची पाउडर लिया है, क्रीम लिया है फ्रेश और कंडेंस मिल्क लिया है। मैंने ये बाज़ार से मंगाया है अमूल फ्रेश क्रीम और अमूल कंडेंस मिल्क, उसको मिठाई मेट भी बोलते हैं। ये देखिए हमने सब फ्रूट्स को बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है। हमने शुगर का पाउडर भी पीस के रखा है थोड़ा सा मीठा करने के लिए, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद हो तो। देखिए हमने सब पोमेग्रेनेट छील के रखे हैं, बाकी सब चॉप करके रखे हैं। ग्रेप्स वगैरह भी हमने सब तोड़ लिए हैं, फ्रेश धो लिए हैं सब फ्रूट्स को। इलायची पाउडर भी तैयार कर लिया है। ये देखिए शुगर पाउडर भी हमारा पीसा हुआ तैयार है। देखिए इस तरह से हमने सब प्रिपरेशन कर ली है। अब हम ये सबसे पहले देखिए किस तरह से कंडेंस मिल्क की कैन को हमने खोला है, ओपन किया है। अब हम इनको सबको एक बाउल में मिलाएंगे। सबसे पहले हम फ्रेश क्रीम डालेंगे एक बाउल के अंदर, फिर उसके बाद कंडेंस मिल्क, जो मलाई मैट जिसको बोलते हैं मिठाई मैट, और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों को। अब इसके अंदर हम देखिए अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हमको, बिल्कुल एक जैसा कर लेना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब उसके अंदर हम थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर देंगे साथ में ही, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो, और नहीं तो ठीक है। और फिर इसके अंदर धीरे धीरे हम सब फ्रूट्स जो हमने चॉप करके रखे हैं, जैसे हमने एप्पल डाला, फिर उसके बाद अब हम बनाना मैंगो डाल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है हमें, इन चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये ग्रेप्स अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लें। और ये देखिए अब ये हमने पोमेग्रेनेट्स भी, हमने अनार को, अनार के दानों को भी छील कर रखा था। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ऊपर नीचे। अभी हम इसके अंदर पाइनएप्पल मिक्स कर रहे हैं और बनाना। हमने पाइनएप्पल और बनाना लास्ट में मिक्स किया है। बनाना क्योंकि चिकनापन पकड़ लेता है इसलिए, और काला भी पड़ जाता है, इसलिए हमने बनाना सबसे लास्ट में ऐड किया है। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर टेस्ट अनुसार, और उसके ऊपर हम उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल ऊपर नीचे एक जैसा मिक्स करना है। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये देखिए हमने सर्विंग बाउल में इसको निकाल लिया है और उसको डेकोरेट किया है ड्राई फ्रूट से, काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आपके पास अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हो। मेरे पास काजू बादाम थे, मैंने उससे डेकोरेट किया है। और ये 7 से 8 लोगों के लिए काफ़ी है। आप बिल्कुल इनको बारीक बारीक चॉप करें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर खाएं। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।